हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जहांगीर क्लासेस एंड आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रेवेन्यू के बारे में भाई रेवेन्यू जो है वो सप्लाई और प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इन सप्लाई यूनिट नंबर थ्री का जो है आप इस साल के लिए लास्ट चैप्टर है तो रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो देर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट वट इज रेवेन्यू देन आई टेल यू वट आर दिजियस कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू

तो रेवेन्यू को अगर आप अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो रेवेन्यू का मतलब होता है कॉस्ट या एक्सपेंडिचर कॉस्ट कह लीजिए या फिर कोई भी एक्सपेंडिचर आप करते हैं प्लस प्रॉफिट अगर ये दो चीजें आपको मिलती हैं तो उसको हम बोलते हैं कंबाइंडली रेवेन्यू रेवेन्यू का मतलब कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है ये मैं आपको बता दूं सो लेट्स टॉक अबाउट रेवेन्यू सो वॉट इज रेवेन्यू इट इज द मनी रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर बाय सेलिंग अ अमोडिटी एज यू कैन सी हिलर इज सेलिंग समथिंग एंड ही इज रिसीविंग समथिंग सो गुड्स एंड सर्विसेज जो बेच रहा है और उसके कंसिडरेशन में वनी द प्रोड्यूसर द सेलर इज गेटिंग दैट इज वट वी कॉल रेवेन्यू तो यहाँ पर टोटल अमाउंट आता है यहां पर भी आप देख सकते हैं ये सेल कर रहा है जो वेजिटेबल सेलर है तो यहां से जो मनी मॉनिटरी वैल्यू जो आएगी दैट मॉनिट्री वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू अब उसके अंदर दो चीजें होती हैं एक तो इन्होंने जो ये वेजिटेबल ऑनर है इन्होंने वेजिटेबल या तो खुद प्रोड्यूस किए हैं या कहीं से परचेज किए हैं तो दोनों ही कंडीशन में इनका कुछ एक्सपेंडिचर हुआ है उनको अक्वायर करने में या फिर प्रोड्यूस करने में और ये जो एक्सपेंडिचर हुआ है ये जो एक्सपेंडिचर हुआ है इसमें इन्होंने कुछ अपना जो भी रेम्यूनरेशन कह लीजिए जो प्रॉफिट है वो ऐड कर दिया और फिर आपको एक प्राइस पे बेच रहे हैं तो बेसिकली रेवेन्यू जो है वो एक्सपेंडिचर या फिर कॉस्ट का और प्रॉफिट का दोनों का समीशन होता है लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था कि पेन का कि मान लीजिए कोई पेन है और वो लेट से दस रुपए का आपने खरीदा या पचास रुपए का खरीदा पचास रुपए का खरीदा तो ऑब्वियस बात होगी कि उसकी कॉस्ट यानी कि उसको बनाने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया गया है लेट से वो चालीस है और दस रुपए का प्रॉफिट मार्जिन रखकर प्रोड्यूसर ने आपको वो पेन बेचा है तो इसको हम कहेंगे इस तरीके से आ, कि डिवाइड कर दिया है हमने रेवेन्यू को कॉस्ट और प्रॉफिट में सो दैट यू पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू इन अ वेरी यू नो अंडरस्टैंडिंग मैनर कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर ना हो इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर रेवेन्यू uh, के अलग अलग कंसेप्ट की तो रेवेन्यू की अगर जब भी हम बात करते हैं आपने प्रोडक्शन पढ़ा है जिस तरीके से टोटल एवरेज और मार्जिनल में डिवाइड किया जाता है प्रोडक्शन uh, को आपने कॉस्ट पढ़ा है लॉन्ग रन की मैं बात करूंगा शॉर्ट रन में तो काफी ज्यादा रिविजन हो जाएगा तो यहाँ पर तीन अलग अलग कंसेप्ट होते हैं एक होता है टोटल अच्छा मैं रिलेट इसलिए कर रहा हूं बाकी सारी चीजों से कि आपको उनके भी टच में आप बने रहें जो प्रीवियस चैप्टर आपने किए हैं तो ये तीन कंसेप्ट होते हैं टोटल एवरेज एंड मार्जिनल तो भाई यहाँ पर हमने ये लिख लिया है अगर हम बात करें टोटल रेवेन्यू की टी जो हम शॉर्टकट में बोलते हैं टोटल रेवेन्यू सो इट इज द टोटल मनी रिसीट्स

टोटल मनी रिसीव्ड बाई अ प्रोड्यूसर बाय सेलिंग सर्टेन यूनिटिटी गिवन लेवलिटी उनको बेचने से जो रेवेन्यू मिलता है जो टोटल मनी रिसीड्स मिलती है उसको हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू आई होप ये चीज आपकी क्लियर होगी और यहां पर जब भी हम बात करें टोटल रेवेन्यू की तो वी कैन फाइंड आउट टोटल रेवेन्यू बाय विदेल्प ऑफ ए आर एवरेज रेवेन्यू की एवरेज रेवेन्यू इन टू क्यू क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी सोल्ट जब भी हम रेवेन्यू की बात करते हैं क्वांटिटी सोल्ड कॉस्ट की बात करते हैं क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और जब भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो लेबर वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड इस तरीके से हम बोलते हैं वहां पर तो क्यू का मतलब यहां पर यह है कि एवरेज रेवेन्यू इंटू क्वांटिटी एवरेज रेवेन्यू बेसिकली प्राइस होता है कैसे होता है आपको बताएंगे या फिर आप ये कह सकते हैं इट इज समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू का भी समिशन uh, जो है वो टी आर ही होता है तो दो तरीके हैं जिससे आप निकाल सकते हैं फॉर्मुला भी बता दिया है और आपको डेफिनेशन भी बता दिया है लेट्स टॉक अबाउट एवरेज रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या है ए आर हम इसको शॉर्टकट में बोलते हैं इट इज द पर यूनिट रेवेन्यू पर यूनिट आपको कितना रिसीव हुआ आप कहते हैं ना कि मैंने 20 यूनिट्स बेची 20 यूनिट्स को बेचने पे मुझे दो हजार रुपए मिले सामने वाला कहता है कि भाई आप हमें ये बताइए कि आपको पर यूनिट रेवेन्यू कितना आया तो एवरेज निकालने के लिए आप टी आर को क्वांटिटी सोल्ड सोल्ड से डिवाइड कर दीजिए को आप, आप बड़े से कर सकते हैं, तो आपने एक यूनिट को सौ रुपए के हिसाब से बेचा तो भाई यहां पर एवरेज रेवेन्यू या फिर प्राइस लाइन भी बोला जाता है इसको एवरेज इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी ये आप ध्यान रखिए सेल uh, so है करते हैं तो उससे जो रेवेन्यू आपको मिलता है पर यूनिट उसको हम एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं इट इज सेम एज प्राइस ऑफ द कम्युनिटी ये हमेशा प्राइस के बराबर ही होता है किसी भी मार्केट फॉर्म की बात करें मार्केट फॉर्म तो आपने नहीं पढ़ा है अभी आगे पढ़ेंगे सो so, इस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट फॉर्म एवरेज रेवेन्यूल टू प्राइसिटी आपके बाद आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है इतना ज्यादा रेवेन्यू जो है वो डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है लेक्ट टॉक अबाउट मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल की जब भी हम बात करते हैं तो मैंने आपसे क्या कहा है भाई, मार्जिनल के केस में कि मार्जिनल का मतलब होता है चेंज सिर्फ मार्जिनल की बात कर रहा हूं मैं या फिर एडिशन तो मार्जिनल का मतलब होता है चेंज या एडिशन addition, या एडिशनल तो भाई आप यहां पर देखिए कि एक यूनिट आप सेल कर रहे थे दूसरी यूनिट आपने सेल की तो टोटल रेवेन्यू यहां दस रुपए में सेल की एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर में सेल की लेकिन दो की तो बीस रुपए रेवेन्यू आया मार्जिनल रेवेन्यू आप निकालना चाहते हैं मान लीजिए यहाँ के लिए नहीं आप सेकेंड यूनिट के लिए निकालना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि पहले एक यूनिट को बेचने से आपको दस रुपए का रेवेन्यू मिला बट बाय सेलिंग द यूनिट योर रेवेन्यू हैज सेवेन्यू है ट्वेंटी माइनस टेन कर दीजिए तो आपका टेन आ जाएगा तो ये मार्जिनल जो चेंज आया है दैट इज ऑफ टेन रुपीज तो आप इसे कह सकते हैं मार्जिनल रेवेन्यू और आई होप सो कि यहां पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है Uh, सारी चीजें आपके समझ में आ रही हैं कुछ अगर डाउट हो समझ में ना आए तो करना क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए uh, कोशिश करूंगा uh, आपका जो आपकी जो क्वेरी है उसको एज सुन एज पॉसिबल सॉर्ट आउट करने की सो so, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं मार्जिनल रेवेन्यू इट इज द चेंज इन द टोटल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आता है ऑन अकाउंट ऑफ द सेल ऑफ वन मोर यूनिट मोर या लेस भी कह सकते हैं आप वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने पे uh, या वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट आप कर दीजिए एक और यूनिट को सेल करने पे हमें जो रेवेन्यू मिलता है उसको हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू Uh, यहाँ पर आप और भी काफी सारे तरीके हैं इसको डिफाइन करने के इसको बताने के किस तरीके से बता सकते हैं आप इसे? आप इसे इसे बता सकते हैं भाई कि मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशन टू टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज सोल्ड जब एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेचा जाता है और उसकी वजह से टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आता है दैट इज वट वी कॉल मार्जिनल रेवेन्यू उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं तो ये आपका रेवेन्यू का इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है जिसके बारे में मैंने आपको यहां पर इंफॉर्मेशन दी है इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या होता है भाई अलग अलग आ, अलग अलग रह, अलग अलग जो है है मार्केट फॉर्म्स के अंदर चीजें होती होती हैं शेप तो उसकी बात हम बाद में करेंगे लेकिन इससे पहले कुछ एवरेज रेवेन्यू के पॉइंटर्स हम की हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एवरेज रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस अंडर ऑल द फॉर्म्स ऑफ मार्केट किसी भी फॉर्म ऑफ मार्केट की हम बात करें हर एक मार्केट में एवरेज uh, रेवेन्यू जो है वो हमेशा प्राइस के इक्वल होता है ध्यान रखिएगा ये आगे काम एवरेज एवरेज रेवेन्यू रेवेन्यू इज नोन एज प्राइस लाइन कर्व बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं हम ये प्राइस लाइन uh, जो है उसको वो भी बोला जाता है एवरेज रेवेन्यू इज द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म अब ये डिमांड कर्व क्यों होता है बड़ी काम की चीज है, है एक क्वेश्चन आ सकता है तीन नंबर का या चार नंबर का देखिए भाई ये तो मैं आगे भी डिटेल में बताऊंगा इसको बट एवरेज रेवेन्यू शोज वेरियस यूनिट ऑफ अ कम्योडिटी विच आर परचेज एट वेरियस प्राइसेस अलग अलग प्राइस पे कितने कम्युनिटी परचेज की जाती है वो एवरेज रेवेन्यू शो करता है एंड द सेम थिंग इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाई डिमांड कर्व दैट इज वाई एवरेज रेवेन्यू इज द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म और ये रीजन भी मैंने यहाँ पर दे दिया है कि बोथ डिमांड एंड ए आर कब दोनों की दोनों को दिमांड ऑफिटिटीज की डिमांड को दिखाते हैं अलग अलग प्राइसेस पे इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट इज एवरेज रेवेन्यू इज द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म इसीलिए उसको डिमांड कर्व ऑफ द फर्म कहा जाता है सो दिस इज ऑल अबाउट द इनिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ रेवेन्यू आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कोई भी आपके नहीं है इससे पहले या इससे रिलेटेड या फिर से रिलेटेड आप, आप कीजिए हर एक पे वीडियो है बाकी मिलते हैं आपसे में आज की क्लास में इतना ही आ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें सो दैट वेन एवर आई अपलोड ए वीडियो यू पीपल विल गेट द नोटिफिकेशन सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर गुड बाय एंड कीप वॉचिंग मनोज क्लासेस थैंक यू ऑल ऑफ यू